हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक छोटी सी शॉर्टकट तरीका दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप ये जो डेटा है रो को कॉलम यानी कि ऊपर वाला ये जो भी है इसको साइड में लेके आना चाहते हैं, यानी इसे रो बनाना चाहते हैं और कॉलम को रो बनाना चाहते हैं और रो को कॉलम बनाना चाहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसका एक बड़ा आसान तरीका है। आप कंट्रोल ए, या तो आप पूरा उठाइए, यहाँ से उठाइए, कॉपी कीजिए, फिर यहाँ पर पेस्ट कीजिए, फिर यहाँ पर सारी चीजें। तो एक तो ये है और एक शॉर्टकट वे है। शॉर्टकट वे क्या है? पूरे डेटा को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया, पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, एक भी कम ना एक भी ज्यादा। तो ये पूरा डेटा हो गया सेलेक्ट। अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कहाँ जाना है? कॉपी करने के बाद पेस्ट पे जाना है और यहां से आना है पेस्ट स्पेशल पे। जैसे ही पेस्ट स्पेशल पे आते हैं तो यहां पर आपको मिलता है ट्रांसपोज। तो जहां पर भी आपको डेटा चाहिए वहां पर क्लिक कर लीजिए। समझ लीजिए यहां पर हमें चाहिए, तो यहां पर जाकर के और यहाँ से ये ट्रांसपोज ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया, तो रो कॉलम बन गया और कॉलम रो बन गया। देखिए,